ये रहा देसी कुर्ता खादी, जिसको हम लोग बोलते हैं माड़ी वाला कुर्ता। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त जयशंकर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जय डायरी में। आज है संडे 12 जून, और जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया कि जो कमर है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आज जा रहे हैं हॉस्पिटल दिखाने। पूरी फैमिली जो है अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के भरोसे ही चल रही है। डॉक्टर मेन जो डॉक्टर है मिलना तो मुश्किल है, कल जो है काफ़ी लेट हो गया और डॉक्टर को दिखा नहीं पाए, तो आज जाते हैं देखते हैं डॉक्टर से मुलाकात होगी या नहीं। फिर भी जो ही मिलेगा अपॉइंटमेंट लेके जो भी ये ट्रीटमेंट चालू कर देना। पहले से दवा तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो दवा है वो हो गई है ख़त्म, और पहले से ही प्लान था कि जाके कोई अच्छे डॉक्टर को चेक कराना है ताकि जो प्रॉब्लम है वो पता चले। वैसे तो कुछ बोन में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट पेन है, जो जॉइंट है वहाँ पे कभी कभी दर्द होना चालू हो जाता है, तो उसको जाके भी चेक कराता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कुछ। ये रहा देसी कुर्ता खादी, इसको हम लोग बोलते हैं माड़ी वाला कुर्ता। तो अभी इस बार गया था गाँव तो ये वाला कुर्ता सिलाया, एक और सिलाया मैंने। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो उम्मीद है इसमें काफ़ी राहत मिलेगी, आराम तो लग रहा है पहनने पर। तो आज पहना है खादी वाला कुर्ता, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ट्रेडिशनल जो पोशाक है वो काफ़ी पहले मैंने पहनी थी, जो कुर्ता है पहली बार लाइफ में मैंने सिला है, बट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है तो खादी आरामदायक है। इसमें माड़ी लगाते हैं, माड़ी में जो रिवाइव वगैरह आता है जो इसको टाइट करता है, तो वो लगा के भी पहली बार पहना है। कैसा लग रहा है अभी आप लोग बताइएगा थोड़ा कमेंट में। कल भी डॉक्टर के पास जाने में लेट हो गए, शॉपिंग करने और स्कूल जाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो लास्ट में फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं जा पाएंगे, काफ़ी लेट हो गया था। और आज जो है आज भी फैमिली जो है तैयार होने में लगी हुई है, लेट पे लेट होते जा रहा है। अभी टाइम भी हो चुका है करीब 10 बजने वाले हैं, सुबह से ही रेडी कर रहा हूँ बट टाइम जो है ज़्यादा लगा रहे हैं, देखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे कैसे बीत रहा है, आप लोग भी परेशान हैं मेरी तरह या आप लोग भी कहीं पर जाके एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका संडे, कैसे आपने प्लान किया था। पीछे जो देख पा रहे होंगे कि अशोक का पेड़ है और नीम का पेड़ है पास में, तो बहुत सारे यहाँ पे जानवर है जो वास करते हैं। कल के ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं, और अभी गिलहरी की आवाज़ आ रही होगी आपको, पीछे ही यहाँ पे डाल पे है, और भी बहुत सारे पीछे में ही कुछ लोग, ये नीम का पीछे वाला जो पेड़ है वहाँ पे कबूतर पाल रखे हैं, और आसपास में हरियाली भी काफ़ी अच्छी है और लोग काफ़ी ज़्यादा जंतु प्रेमी भी हैं यहाँ पर, और ज़्यादा जो है फूड वगैरह जो है फीडिंग और पानी वो सब रखते रहते हैं जानवरों के लिए। गुजरात वैसे भी जो अहिंसा प्रेमी स्टेट है, यहाँ पे वायलेंस काफ़ी कम रहता है और लोग जो है इंसान हो या जानवर हो सबसे प्यार करते हैं, काफ़ी रिलीजियस लोग हैं अगर सही से रहें इनके साथ। सुंदर लोग गाड़ी के पास ही बैठे हैं और कर चुके हैं मेरा एक नुकसान, ये जो है ऊपर में तोड़ दिया टूट टूट के, लगा भी कहाँ सकते हैं यहीं पे लगाने का जगह है,
फिर जो है खुद खुद पे गंदा कर लेते हैं लोग ज़्यादा, देखिए सारे बैठे हैं बच्चों को लेकर के गुस्सा कर रहे हैं, इधर आने पर क्या लिया हुआ चिढ़ रहे हैं। इधर उधर की यात्रा गए, काम हुआ नहीं पूरा। जिस हॉस्पिटल में गए थे, केडी हॉस्पिटल, ये अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्कल के पास है, वहाँ पे गए और वहाँ पे पता चला कि मल्ली इमरजेंसी है, कोई ऑर्थोपेडिक वाला कोई है नहीं डॉक्टर, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर जो है मंडे टू सैटरडे में मिलेगा उस, तभी तो जाके करा पाएंगे काम, जिस दिखा पाएंगे इलाज करा पाएंगे। तो फिर वहाँ कैंसिल हुआ, वहाँ से फिर भाग के वापस आए, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी पास में एक हार्ड बैग ऐसे गुजराती बोलते हैं जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, तो उसको फिर जाके दिखाए, तो उन्होंने कुछ पट्टी वगैरह की है, एक्सरे करवाया, एक्सरे में कुछ मालूम पड़ा कि थोड़ा सा पैर में कुछ प्रॉब्लम है मदर के अम्मा के, तो उसको भी दिखा के आए हैं, पट्टा किया है, कुछ दवा दिया खाने के लिए, हर 10 दिन पे बुलाया है और बाद में कुछ गर्म पट्टी वगैरह देंगे जो हमेशा लगाना रहेगा। मेरे लिए एक्सरे नहीं कराया उन्होंने, बोला कि सही हो जाएगा, ऐसे तेल दिया है कुछ मालिश के लिए और कुछ दवा दी है लगाने के लिए खाने के लिए, और बुलाया है कि 10 दिन बाद आप भी आ जाना दिखाने अगर प्रॉब्लम रहता है तो। एक्सरे का पूछा तो एक्सरे उन्होंने माना कि नहीं एक्सरे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ टूटा नहीं लग रहा, हल्का मोच वगैरह है जो आपके मांसपेशी में खिंचाव है, तो खिंचाव से सही हो जाएगा दवा से और थोड़ा सा मालिश करने से। अभी देखते हैं खा के क्या रहता है रिजल्ट। गाड़ी चला बैठ के, चला तू तो, चला धक्का था, धक्का था ओके खेल, धीरे धीरे चोट लग जाए, रेस में नहीं चलाना, धीरे धीरे चलाना। तो चलाओ तुम भी चलाओ, धीरे धीरे कर चलाना, चोट ना लगे उसको। देखो कैसे चला रहे हैं, तुम भी देखो रुद्रा का, देखो रुद्रा का चलाओ, देखो देखो कैसे कार रख रहा, देखो ये पैंडल मारा चल गई बैठ गया, नहीं गिरेगा, तुम भी ऐसे चलाओ बैठ जाओ उस पर, चप्पल पहन लो, चप्पल पहन के तो देखो पैंडल मार रहा है, फिर चल जाएगी साइकिल अपने आप, ब्रेक मार दिया खड़ी हो गई बस, ये डरती है ना डर, तो इधर से आओ, इधर आओ इस, हाँ साइकिल पैर रखो पूरा, हाँ अभी पैंडल पे पैर रखो, पैंडल पे, पैंडल पे, अरे उधर ही से अब पैर रखो दाहिना वाला उस पे पैंडल पे, चल जा सीधे जा, पैर रख पैर, पैर रख पैर रख पैडल पैर रख, हाँ वो वाला रख, वो वाला रख, हाँ अब सीट पे बैठ जा, सीट पे, सीट पे बैठ जो बस, मार पैडल में बस चलता है, ऐसे मोड़ो, हट जा तू, तुम हट जाओ गाँव लग जाएगा, इधर आओ मोर पैडल मार, पैडल मार, पैडल मार, पैडल पे जोर लगाओ, बस सीधे मारते रहो मारती रहो मारती रहो, मार ब्रेक, ब्रेक मार, ब्रेक मार, हाँ बस रुक गया ना, ऐसे ही चलाते रहो, चलाओ पैडल मारो, अंकल, हाँ
लेकिन ये डरती है ना, डर वो बहुत। मारो पैडल मारो, अरे मार पैडल मार, सीधे मार, हाँ जोर लगा। चलो चलो उतर, अभी गिरेगी एक दो बार तब आएगा उसको, ऐसे नहीं आएगी। वैसे ही आता है, एक दो बार गिरेंगे ना तो आ जाएगा। कितना मजा आ रहा है, सारी एनजी खुश हो रहे हैं। चार पांच बार गिरोगे पैर टूट जाएगा, फिर आ जाएगा चलाने। एक बार पैर टूटेगा तो आएगा, तुमको डरती हो तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। चलो आओ खेलो। बहुत ज़्यादा डरती लड़की जाते हैं, आ जाओ। साइकिल चलाने में भाई चोट तो लगता है किसी को भी, हमें भी बहुत लगा है तभी आया, और हर किसी को मुझे लगता है कि एक दो बार तो लगता ही, तभी हिम्मत जो है आती है। एक दो बार चलाएंगे, एक दो बार गिरेंगे थोड़ा सा तो साइकिल अच्छे से आ जाती है। वही इसको भी होगा एक दो बार तो सीख जाएगा, अभी थोड़ा सा डर रही है। आज पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बादल इधर पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हवा भी चल रहा है, उसके बाद भी पसीना बहुत तगड़ा रहा है। हाँ तो सॉरी आ जाएगा ना, रात में आ जाएगा तो ले लेना, कल तुम अपना चलाना। आज रात में इधर आ जाओ, चोट लग जाएगा, इधर आओ, इधर चोट लग जाएगा। हाँ तो साइकिल की सवारी इनकी चालू है। ब्लॉग करते हैं भी फिनिश। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसा लगा ये मेरा नया पोशाक ट्रेडिशनल कुर्ता, ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।